मैं आपके सामने 75 वर्षों में देश ने जो विकास किया वह हमारी नजरों के सामने है। इस समय जब देखता हूं कि देश का भविष्य मेरे सामने उपस्थित है, तो मैं कुछ उन बिंदुओं की चर्चा करना चाहूंगा कि आने वाले समय में हम सभी मिलकर के क्या कर सकते हैं। मैं दुनिया भर की यात्राएं जब करता हूं, आगामी सप्ताह भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे, सम्मिलित होने के लिए जा रहा हूं। मैं ये बात का उल्लेख इसलिए करता हूं कि जब जब विदेश की धरती पर जाकर के कुछ चीजें देखता हूं तो मन में यह आता है कि हमारे देश पर यह क्यों नहीं हो सकता। पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, करप्शन और डिसिप्लिन, अगर ये सॉल्यूशन हम निकाल लें, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी भारत की जो संस्कृति है वो पूरी दुनिया के अंदर उसका कोई मुकाबला नहीं है। किंतु उस क्षण अवश्य दुख होता है। अब मैं वहां पर देखता हूं कि गाड़ी जब चौराहे पर पहुंचती है, पुलिस वाला खड़ा नहीं है, रेड लाइट भी नहीं है, किंतु फिर भी गाड़ी धीरे होती है, दाईं ओर बाईं ओर झांकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और यहां अगर रेड लाइट पे पुलिस वाला खड़ा नहीं है तो हम पार करके ऐसा महसूस करते हैं कारगिल पे झंडा मैं ही फहरा करके आया हूं। ये भाव हमारे भीतर से कैसे विदा ले, यही हम यहीं के लोग जब वहां जाते हैं टॉफी खाकर के उसका कागज जेब में डाल देते हैं, पर यहां आने के बाद केले का छिलका भी सड़क पर डालते हुए हमें कुछ महसूस ये नहीं होता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। बंधुओं और बहनों, पहला बिंदु है पॉपुलेशन का। आबादी का जिस तरह से विस्फोट है, अब इसके दोनों ही पहलू हैं। हालांकि जिस देश के पास 280 करोड़ हाथ हो, 140 करोड़ मस्तिष्क हो, भला वह देश क्या नहीं कर सकता है उस मानव संसाधन का जो हो गया है उसका कैसे बेहतर उपयोग किया जाए। और आने वाले समय में चूंकि धरती है उतनी रहेगी, अब हमारी धरती माता इस आबादी के बोझ को और अधिक झेलने में समर्थ महसूस नहीं कर रही है, इसलिए आबादी का ये विस्फोट कैसे रुके, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं, किंतु जमीनी सच ये भी है कि कितने लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाए, इस आबादी के विस्फोट के कारण से वो सब के सब ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो जाते हैं। दूसरी समस्या है पॉल्यूशन की। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की, और हम देख रहे हैं जून के महीने में भी जिस तरह का मौसम है, ये सारा का सारा जलवायु परिवर्तन के कारण से जिस तेजी से हम विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और समय रहते क्योंकि धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, ओजोन की छतरी का छेद वृद्ध होता जा रहा है, और ऐसे के अंदर समय रहते प्रयास नहीं किए गए तो हमारे सामने बड़ी चुनौती होगी। तीसरी बात है करप्शन की। करप्शन एक बड़ी समस्या है। इन वर्षों में मैं महसूस करता हूं कि अनेक दुकानें खुली हुई थी, दुकानें तो बंद हो गई है पर मॉल अभी भी बंद करना बाकी है। आने वाले समय में करप्शन के मॉल भी कैसे बंद हो, इशारे इशारे में मैं कह रहा हूं। मॉल का रेट भी हाई है और इसलिए करप्शन की समस्या को, और चौथी बात मैंने कही, ये तीन तो है संघ, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, करप्शन एंड डिसिप्लिन। हर कोई अपनी गाड़ी लाइन में देकर के चलता है, कोई किसी को ओवरटेक नहीं करता है।
तब और यहां पर तो एलएसए के अंदर जब मैंने देखा मेरे सामने विद्यार्थी हैं और मैं प्रिंसिपल महोदय से कहना चाहूंगा कि शिक्षा से बड़ा बदलाव का और कोई आयाम नहीं हो सकता है। आज हमारी शिक्षा प्रणाली शारीरिक शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रही है, भौतिक शिक्षा पर भी बहुत ध्यान है, किंतु साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट का जब तक प्रावधान नहीं जुड़ेगा। समय सीमा में मैं अपनी बात रखना चाहूंगा, किंतु यह अवश्य रेखांकित करना चाहूंगा कि हमारे इसी मस्तिष्क के अंदर एनिमल ब्रेन भी मौजूद है, जहां पर पांच विकृतियां जन्म लेती है, किंतु हमारे इसी मस्तिष्क में नियोकॉर्टेक्स परत भी है, जहां पर मानवीय और देवी विकृतियां जन्म लेती है। ये एक सन्यासी होने के नाते ही नहीं, मेडिकल साइंस इस बात को एक्सेप्ट करता है कि अगर स्टूडेंट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, और या इतना आक्रामक बन जाएगा जैसे वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने 32 को शूट करके रख दिया। और आजकल हम देखते हैं अमेरिका में गन वायलेंस सबसे बड़ी समस्या उभर करके सामने आ रही है। उसका रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है जब जब व्यक्ति का एनिमल ब्रेन जागृत होता है तब तब वो पांचवी कृतियों में संलग्न होता है। अपेक्षा इस बात की है कि प्राइमरी एजुकेशन से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो मैं समझता हूं जितनी समस्याओं की मैंने चर्चा की है उनका हम समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बात को संपन्न करते हुए एक व्यक्ति गाड़ी लेकर के जा रहा था, ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा लाइट नहीं है, रोकने की कोशिश की, भैया गाड़ी कहां दौड़ा रहे हो, उसके लाइट नहीं है। उसने कहा रहे बीच में से हट जा नहीं मारा जाएगा, इसके ब्रेक भी नहीं है। वो गाड़ी कितनी खतरनाक होगी जिसके लाइट भी न हो, जिसके ब्रेक भी न हो, मैं पूछना चाहूंगा वो इंसान कितना खतरनाक होगा जिसका अपना इंट्यूशन पावर जागृत नहीं है, जिसके अपने इमोशंस पर नियंत्रण नहीं है। आज अपेक्षा इस बात की है सर्वांगीण और संतुलित विकास की, और वो एजुकेशन के माध्यम से ही हो सकता है, प्राइमरी एजुकेशन से इन मूल्यों को हम इंट्रोड्यूस करें हमारी नई शिक्षा प्रणाली के साथ साथ। ऐसा अगर हुआ तो निश्चित रूप से एक नए व्यक्ति का निर्माण होगा, संतुलित निर्माण होगा, सर्वांगीण विकास होगा। वीर चक्र विजेता टीपी त्यागी जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंच चुके हैं और उनके साथ राजन चिवर जी भी है, जिन्होंने छुटते छत्ते छुड़ाते हुए आप मेरी कोशिश लीजिए इन्होंने रेस ज्ञान बान शान के लिए जो कार्य किया, तो मैं ये कहना चाहता हूं, अपनी बात को संपन्न कर रहा हूं, आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि हम जहां कहीं भी खड़े हैं हम केवल कर्णधारों की ओर न देखें। जिस समाज से मुझे इतना कुछ मिला है, जिस देश से मैंने इतना पाया है, उस समाज और देश के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्या भूमिका हो सकती है। अगर आज के दिन इस संकल्प को लेकर के हम जाएंगे तो निश्चित रूप से हंसराज कॉलेज के इस पवित्र प्रांगण में ये जो संगोष्ठी आयोजित हुई है वो और अधिक उपयोगी सिद्ध होगी। तो मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, आइए विद्यार्थियों, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें, यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। और अंत में यही कहूंगा कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। आइए बंधुओं, हम सभी देश के निर्माण में लगे, सृजन में लगे, उत्थान में लगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम।